फ्रेंड्स, आज हम अपने परसेंटेज की तरफ बढ़ रहे हैं। परसेंटेज का टॉपिक करेंगे, जहां आज के परसेंटेज के पार्ट वन में हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अगर हमें कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको लगता है आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स को अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी, उन्हें ये टॉपिक वैल्यूएबल है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल रूल है। जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। जब जैसे ही आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको आप कट करेंगे तो आपका डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको 47/100 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 47, तो इसका आंसर क्या आ गया 47%। अब इसी तरह में हम दूसरा, जैसे 3/8 दिया हुआ है तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जब आप इसे कट करेंगे 4 × 2 = 8 × 4 = 8 and 5 = 75/2, चाहे तो आप इसे मिक्स में कर लीजिए कन्वर्ट, अदरवाइज आप ये लिख सकते हैं 75/2 परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? अब जैसे आपको दिया हुआ है 19/500, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, 20 से 20 कट हो गई 19/5, इसको आप चाहें तो डिवाइड कर लीजिए 3.8 आएगा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3.8%, अदरवाइज आप यहाँ 19/5% भी लगा सकते थे। जैसे 1 3/5 है, अब मिक्स में दिया हुआ है, पहले से सिंपल में कन्वर्ट कीजिए 5 × 5 = 3 8 8/5 × 100 5 × 5 तो क्या आ गया 160%। बहुत सिंपल था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, अब अगला टॉपिक है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आपको परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जिस तरह से हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था मल्टीप्लाई 100, अब हमें अपोजिट करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। जैसे आपको 32% दिया है तो आप इसे क्या करेंगे 32/100, और अब ये जिसकी टेबल में आते हैं उसे काट दीजिए 4 8 = 8, तो क्या आपका आंसर आ गया 8/25, दिस इज योर आंसर। आपको सिंपली अपॉन 100 करना है। जैसे आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप इसे जब सोल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पे 26 3 = 78 + 2 क्या आ गया 80 80/3, और आपको इसे मल्टी डिवाइड करना है 100 से, तो यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो आप सोल्व कीजिए 10 से 10 4 × 2 = 8 and 4 sorry 2 4 = 8 and 2 5 = 10, तो क्या आ गया 4/15, ये आपका क्या है आंसर। आगे बढ़ते हैं 0.8 8, देखिए पॉइंट हटा के 10 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है, साथ में हमें 100 का भी लगाना है तो क्या आ जाएगा यहाँ 1000, तो आप इसे कट कीजिए 8 × 8 8 × 8 8 × 16 8 × 5 = 14 1/125। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल है ये भी, आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो 20 है ये और 20 100 हमारा इसका। अब आपको इसे कट करना है और सोल्व करना है, तो आई होप आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज समझ आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।